हाय गाइस, दिस इज सीनियर गेमिंग। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए गाइस। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिखाया, लाइक किया वीडियो को, इस वीडियो को भी गाइस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई को ऊपर जाने के लिए, भाई की सपोर्ट के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा। आप लोगों के लिए ही गाइस पोको X3 प्रो से रिलेटेड ड्रिल्स लेके आ रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। वीडियो को लाइक करो गाइज, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, क्या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है गाइज, DM करो इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। वीडियो को लाइक करो गाइज, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके गाइज, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक 3 बटन्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज या ड्रिल्स कह लो आप, वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी एम का तो मैं नहीं कह सकता फिलहाल, वो आगे वीडियोस आएंगी मजीद आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं। छोटी छोटी वीडियोस गाइस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ आप बिल्ड कर सको, आप इजीली इसको कैच कर सको, आप इजीली इसको अपने अंदर अपनी गेम के अंदर ना इसको आप ऐड कर सको। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, जस्ट आपको 1-2 एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ ताकि आप वो करो और आपकी गेम मजीद इम्प्रूव हो। ओके, सबसे पहले गाइस आपकी हो चुकी है सेंसी कॉपी, हो गई कंट्रोल्स आपके, आपने कर लिए सेट। अब ये एक्सरसाइज है गाइस, देखें आप होर से एक्सरसाइज देखें, ये एक्सरसाइज है, ये ड्रिल है। क्राउच जंप स्कोप ऑन फायर, क्राउच जंप स्कोप ऑन फायर, आप वीडियो देखें, क्राउच जंप स्कोप ऑन फायर, फिर क्राउच फिर जंप फिर स्कोप ऑन फिर फायर। इससे क्या होगा गाइस, ये इतनी यूज़फुल प्रैक्टिस है, ये मैंने बहुत की है गाइस। एज़ यू नो गाइस कि मैं कंपेटिव भी खेलता हूँ, एलीट्स के रूम्स भी खेलता हूँ, टूर्नामेंट्स भी खेलता हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। इसलिए कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप लोग भी जो है वो टूर्नामेंट्स खेलें, Tier 1, Tier 3, Tier 2 इस तरह के जो मैचेस होते हैं, जो रूम बनते हैं, वो खेला करें, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है गाइस, ये देखें मैं आपको इसकी ओपेसिटी, स्कोप की और क्राउच की बटन की जो ओपेसिटी है वो मैं आपको ज़्यादा करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है वो इस चीज़ को, इस ड्रिल को, इस एक्सरसाइज को पिक कर सको। देखो कैसे हो रहा है गाइस। जंप का बटन मैंने ओपेसिटी उसकी ज़्यादा नहीं की, वीडियो पहले रिकॉर्ड कर दी थी गाइस, वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ तो वो मैंने नहीं की, बट वो इसी क्राउच के बटन के साथ राइट पर ही मेरा जंप का बटन है। तो आपने इसी तरीके से एक सर्कल चलाना है, लूप चलाना है, ठीक है। एक जगह आपने बैठना है, ज़रूरी नहीं है ऐसी जगह पे आपने बैठ के तो प्रैक्टिस करनी है टारगेट्स के ऊपर, कोई मसला नहीं है गाइस। आप किसी भी जगह, दूसरी जगह भी बैठ सकते हो, मैं आपको दूसरी जगह भी बताता हूँ कि जहाँ पे आप बैठ के ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि मैंने की है गाइस, और वाकई इंप्रूवमेंट आई है। ये आपको कॉम्पिटिटिव के अंदर भी, क्लासिक के अंदर भी, जब आपके ऊपर 2-3 बंदे ओपन में रश कर रहे हैं और आप कवर में हैं गाइस, आप या आप पहाड़ के ऊपर या कहीं रिज के ऊपर आप हैं और आपके ऊपर 2-3 बंदे ओपन में रश कर रहे हैं, तो आप उनको ईजिली इस एक्सरसाइज के थ्रू, इस ड्रिल के थ्रू आप उनको ईजिली डिफीट कर सकते हो। ये जगह थी फर्स्ट जहाँ पर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो टारगेट्स के ऊपर, डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। एंड सेकेंड ये प्लेस है गाइस, यहाँ पर आके आप लोग ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, क्राउच जंप स्कोप ऑन क्राउच, क्राउच जंप स्कोप ऑन फायर, क्राउच जो है वो क्राउच, इसी तरीके से वही लूप चलेगा, उसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है गाइज डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर। एंड वन थिंग गाइज जो रिमेंबर आपने याद रखनी है गाइज, वो ये कि विदाउट एनी ग्रिप इक्विप्ड, किसी भी ग्रिप को एक्वायर किए हुए, किसी भी ग्रिप को आपने इक्विप किए बिना आपने ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल आपने करना है, ठीक है। कोई भी, ये देखो, ये देख लो, कोई भी ग्रिप, किसी किस्म का कोई कंपनसेटर, कोई भी ग्रिप, कुछ भी टेक्टिकल स्टॉक, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी आपने इक्विप नहीं करना उसके विदाउट, जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल करना है। उसकी वजह ये गाइस कि जब आप ग्रिप्स यूज़ करते हो या कंपनसेटर यूज़ करते हो तो आपको जो रिकॉयल होता है ना गाइस, वो थोड़ा हद ना कंट्रोल में आ जाता है। अगर आपकी जायरो सेंसिटिविटी ठीक नहीं भी है तब भी आप उसको ईजिली थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब आप विदाउट ग्रिप्स, विदाउट कंपनसेटर या विदाउट किसी सपोर्ट के आप गन को जस्ट एज मैगजीन 40 बुलेट्स का आप जब चलाओगे ना, इस तरीके से ड्रिल करोगे, तो इससे ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी गाइस, ठीक है। टारगेट्स के हेड के ऊपर कोशिश करें, कनेक्ट करें, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ पिक हो जाए, आप लोग समझ जाओ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। वापस अपने उसी टारगेट पर आ जाएंगे, यहाँ से फिर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट लोकेशन से प्रैक्टिस करें गाइस। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 2 टारगेट आपको बताया, 2 जगह आपको बताई, आप वहीं पर बैठ के करो, ऐसा नहीं है गाइस। आप मज़ीद कहीं पर और भी आगे पीछे जा सकते हो, ट्रेनिंग रूम बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये है गाइस
कि आपको ना टारगेट्स मिलते हैं, देखिए मूवेबल टारगेट्स भी मिलते हैं आपको, स्टिल जो है टारगेट्स वो भी मिलते हैं, तो आप उनके ऊपर ईजिली जो है वो एम करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। रिमेंबर गाइज, क्राउच जम्प स्कोप ऑन फायर एंड दिस विल बी इन अ लूप, आपको ये चलाना है लूप के अंदर, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये तीन बटन्स की, बल्कि चार बटन्स की, आपको फायर बटन भी यूज़ हो रहा है ना, तो चार बटन्स की बहुत ही इनर्जेटिक और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है गाइज, बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है। आप ये ड्रिल करेंगे डेली, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ गाइज, आप ये 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये ड्रिल करें ट्रेनिंग रूम के अंदर डेली, आप देखिएगा आपकी गेम कैसे इम्प्रूव होती है और आपकी बटन्स के ऊपर ग्रिप कैसे बनती है। इन चार बटन्स के ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आई एम प्रेटी श्योर गाइज कि ये ड्रिल करने के बाद आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी चार बटन्स के ऊपर। मज़ीद आगे गाइज और वीडियोज़ लेके आऊँगा आपको, और ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस और ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे आपका गेम पर इम्प्रूव हो सकता है और आप जो है वो मेरी तरह 25, 20, 30 किल्स आप कर सकोगे। फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सीनियर भाई आप कैसे 20, 25, 30 किल्स करते हो। गाइज ऐसे ही मैं करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं करता हूँ, यही प्रैक्टिसेस मैंने भी की हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी करो, आपको भी फ़ायदा हो। गाइज वीडियो पसंद आई है गाइज लाइक करो वीडियो, गाइज किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लाइक करो वीडियो को। चैनल पे नहीं हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो गाइज, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो आप ही चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, न्यू वो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। कोई चीज़ समझ नहीं आई गाइज, कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेंसिटिव चाहिए गाइज, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कंट्रोल्स चाहिए वो भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया गाइज। एंड कमेंट करके गाइस बेस्ट कमेंट करो, उसको नेक्स्ट वीडियो में पिन करूंगा, इस वीडियो में भी पिन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ड्रिल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।